वेलकम स्टूडेंट्स, आज जूलॉजी क्लास में हम पढ़ेंगे आनुवांशिक संकेत या जेनेटिक कोड। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज अ जेनेटिक कोड, यानी कि जेनेटिक कोड होता क्या है। जेनेटिक कोड इज अ डिक्शनरी दैट कॉरेस्पॉन्ड्स विद द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। जेनेटिक कोड एक ऐसी डिक्शनरी है जिसके अंदर न्यूक्लियोटाइड और अमीनो एसिड के जो सीक्वेंसेस हैं उनको कोड किया जाता है या उनको लिखा जाता है। जेनेटिक कोड इज अ सेट ऑफ रूल्स बाय विच इंफॉर्मेशन एनकोडेड इन जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए सीक्वेंसेस इज ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन्स बाय लिविंग सेल्स। जेनेटिक कोड जो है वो एक सेट ऑफ रूल्स बनाती है जिनके अंदर जितनी भी हमारी जेनेटिक मटेरियल के अंदर इंफॉर्मेशन या सूचनाएँ एनकोड की गई हैं जो कि डीएनए या आरएनए सीक्वेंसेस के रूप में निहित रहती है, उनको हमें प्रोटीन्स के रूप में ट्रांसलेट करना होता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जितनी भी हमारी इन्फॉर्मेशन है वो हमारे डीएनए के अंदर उपस्थित होती है। इन डीएनए के अंदर उपस्थित इन्फॉर्मेशन को आरएनए के मैसेंजर आरएनए के रूप में ट्रांसक्राइब किया जाता है और इस ट्रांसक्राइब्ड आरएनए की इन्फॉर्मेशन को प्रोटीन्स के ट्रांसलेशन में काम में लिया जाता है। तो ये ट्रांसलेशन जिस रूप में होता है उनको सूचनाओं को एक कोड के रूप में कोडित किया जाता है जिसे हम जेनेटिक कोड कहते हैं। एंड दिस टर्म वाज गिवन बाय जॉर्ज गैमो। सर्वप्रथम ये टर्म जो थी जेनेटिक कोड की, ये जॉर्ज गैमो ने दी थी। डिस्कवरी देखते हैं हम इसकी। टू अंडरस्टैंड हाउ प्रोटीन्स आर एनकोडेड बिगेन विद द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। सर्वप्रथम डीएनए की जो स्ट्रक्चर थी वो वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा खोजी गई थी। जॉर्ज क्रोमो ने पोस्टुलेट किया कि देर इज़ अ थ्री लेटर कोड जो कि 20 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड को कोड करना चाहिए। हमारे शरीर के अंदर लगभग 20 एमिनो एसिड पाए जाते हैं और इन 20 एमिनो एसिड से लाखों की संख्या में प्रोटीन्स का निर्माण होता है। तो इन 20 अमीनो एसिड्स को इस तरीके से कोड करना पड़ता है कि जिससे किसी एक पर्टिकुलर प्रोटीन का निर्माण हो सके। ये जितनी भी प्रोटीन के निर्माण की सूचनाएं हैं ये हमारे डीएनए के अंदर निहित रहती है। डीएनए के अंदर बेसिकली चार नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं जिन्हें हम एडिनिन, थायमिन, साइटोसिन एवं ग्वानिन कहते हैं। इन चार अमीनो एसिड्स, चार नाइट्रोजनस बेस को 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड के कोड करने के लिए हमें एक कोड की आवश्यकता होती है जिसे उन्होंने एक थ्री लेटर कोड के नाम के रूप में उन्होंने प्रस्तावित किया जो कि जेनेटिक कोड कहलाता है। द लेटर्स ए जी टी सी कॉरेस्पॉन्ड टू द न्यूक्लियोटाइड फाउंड इन द डीएनए। ये जो लेटर्स होते हैं ए जी टी और सी, ये डीएनए के अंदर पाए जाने वाले न्यूक्लियोटाइड के लेटर्स होते हैं, नाइट्रोजनस बेस के लेटर्स होते हैं। एंड दे आर ऑर्गेनाइज इन टू कोडोन। इन चारों लेटर्स को कोडोन के रूप में ऑर्गेनाइज किया जाता है और द कलेक्शन ऑफ कोडोन इज कॉल्ड जेनेटिक कोड। इनका कोडोन्स का जो कनेक्शन है उसे हम जेनेटिक कोड कहते हैं। हमारे शरीर के अंदर लगभग 20 अमीनो एसिड्स हैं तो लगभग हमारे पास 20 कोडोन होने चाहिए और इन 20 कोडोन को कोडित करने के लिए हमारे पास में चार नाइट्रोजनस बेसिस का सीक्वेंस है जो हमें जो है ए जी टी सी, यानी कि टोटल चार नाइट्रोजनस बेसिस हैं जो कि विभिन्न प्रकार के न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। तो अगर एक न्यूक्लियोटाइड का अगर हम कोड बनाएं तो टोटल 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, यानी कि 20 अमीनो एसिड में से सिर्फ 4 अमीनो एसिड को हम कोडित कर पाएंगे। अगर हम इसे दो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का कोड के रूप में देखते हैं, यानी कि अगर हमने सपोज ले लिया ए जी या टी सी, तो टोटल इस तरीके से हमारे पास में 16 कॉम्बिनेशन ही बन पाएंगे। अगर हम तीन न्यूक्लियोटाइड के बेस का एक सीक्वेंस लेते हैं जो कि 64 कॉम्बिनेशन हमारे पास में जनरेट करता है, लेकिन ये 64 कॉम्बिनेशन जो है वो हमारे 20 अमीनो एसिड को कोड करने के लिए बहुत ज़्यादा है। लेकिन इससे कम सीक्वेंस या कम कोड का जो टू न्यूक्लियोटाइड कोड अगर हम लें तो सिर्फ 16 कॉम्बिनेशंस बनते हैं, इसलिए हमारे पास में ये जो 64 कॉम्बिनेशंस का एक कोड है या थ्री न्यूक्लियोटाइड का जो कोड है ये हमारे 20 अमीनो एसिड को कोडित करने के लिए सूट करता है। कोडोन एंड इट्स टाइप।
जेनेटिक कोड इज़ अ डिक्शनरी कंसिस्ट ऑफ जेनेटिक वर्ड्स कॉल्ड कोडोन। जेनेटिक कोड जो है वो एक डिक्शनरी की तरह होता है जिनके अंदर जेनेटिक वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम कोडोन्स कहते हैं। ईच कोडोन कंसिस्ट ऑफ थ्री बेसेस। हर एक कोडोन जो है उनके अंदर तीन बेसेस का एक सीक्वेंस आता है जिसे हम ट्रिपलेट कहते हैं। हमारे पास में टोटल चार नाइट्रोजनस बेसेस हैं, एडिनिन, थायमिन, साइटोसिन एंड गुआनिन। उनमें से तीन नाइट्रोजनस बेसिस का एक सीक्वेंस जो है वो एक कोडोन बनाता है। देर आर टोटल 64 कोडोन, जैसा कि हमने अभी पिछले स्लाइड के अंदर देखा था कि हमारे पास में टोटल तीन अगर लेटर को अगर हम एक अमीनो एसिड को कोड करने के लिए काम में लेंगे तो टोटल हमारे पास में 64 संयोग बनेंगे या 64 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। इसलिए हमारे पास में टोटल 64 कोडोन्स हैं। आउट ऑफ दी 64 कोडोन, 61 कोडोन जो हैं वो 20 अमीनो एसिड को कोड करते हैं जो कि प्रोटीन्स के अंदर पाए जाते हैं। 61 के बाद बचे हुए तीन कोडोन जो हैं वो किसी भी प्रकार के अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। विभिन्न प्रकार के कोडोन्स देखते हैं। पहला प्रकार है सेंस कोडोन, सिग्नल कोडोन। सिग्नल कोडोन जो है वो दो तरीके के होते हैं, स्टार्ट कोडोन्स एंड स्टॉप कोडोन्स। सेंस कोडोन ऐसे कोडोन जो कि अमीनो एसिड को कोड करते हैं उन्हें हम सेंस कोडोन कहते हैं। जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में देखा था हमारे पास टोटल 61 सेंस कोडोन्स होते हैं। सिग्नल कोडोन्स जो हैं ये प्रोटीन सिंथेसिस के प्रारंभ या अंत को निर्धारित करते हैं, इन्हें हम सिग्नल कोडोन्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल AUG, UAA, UAG एंड UGA ये हमारे सिग्नल कोडोन्स हैं। सिग्नल कोडोन जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ऐसे कोडोन जो कि किसी भी अमीनो एसिड या पॉलीपेप्टाइड चेन को ख़त्म करते हैं या उनका अंत करते हैं उन्हें हम टर्मिनेटिंग कोडोन कहते हैं। ऐसे कोडोन जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन का प्रारंभन करते हैं उन्हें हम इनिशिएटिंग कोडोन कहते हैं। टर्मिनेटिंग कोडोन UAA, UAG एवं UGA जो है उन्हें हम टर्मिनेशन कोडोन कहते हैं या इन्हें हम नॉनसेंस कोडोन भी कहते हैं। इन्हें UAA को अंबर कहा जाता है, UAG को ओक्रे कहा जाता है और UGA को ओपेल कोडोन कहा जाता है। AUG जो है उसे हम इनिशिएटिंग कोडोन कहते हैं। ये किसी भी अमीनो एसिड चेन का या पॉलीपेप्टाइड चेन का स्टार्टिंग कोडोन होता है और किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन का स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो हमेशा मेथियोनिन को कोड करता है यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर AUG कोडोन जो है वो फॉर्माइल मेथियोनिन को कोड करता है। एंटीकोडोन ट्रांसफर आरएनए के ऊपर जो अपोजिट सीक्वेंस होता है कोडोन का उसे हम एंटीकोडोन कहते हैं। नाइट्रोजनस बेस का एक सीक्वेंस पाया जाता है जो कि कोडोन के साथ में पेयरिंग करता है, इसे हम एंटीकोडोन कहते हैं। एंटीकोडोन ट्रांसफर आरएनए के ऊपर उपस्थित होते हैं। डिफरेंस बिटवीन कोडोन एंड एंटीकोडोन। कोडोन जो है वो डीएनए एवं आरएनए दोनों के ऊपर उपस्थित हो सकते हैं, जबकि एंटीकोडोन जो है इट इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन आरएनए एंड नेवर इन डीएनए। कोडोन जो है वो डीएनए एवं आरएनए दोनों के ऊपर उपस्थित होते हैं, जबकि एंटीकोडोन जो है वो आरएनए के ऊपर उपस्थित होता है, कभी भी डीएनए के ऊपर उपस्थित नहीं होता है। कोडोन हमेशा 5-3 डायरेक्शन के अंदर लिखे जाते हैं, जबकि एंटीकोडोन जो है वो 3-5 डायरेक्शन के अंदर लिखे जाते हैं। एंटीकोडोन ऑफ सम ट्रांसफर आरएनए हैव टू पेयर विद मोर देन वन कोडोन। ट्रांसफर आरएनए के ऊपर जो एंटीकोडोन उपस्थित होते हैं उन्हें एक से अधिक कोडोन के साथ में पेयरिंग करनी होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड। एक जेनेटिक कोड की मुख्य बातें क्या होती हैं या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। सबसे पहला है ट्रिपलेट कोड, फॉर्मलेस, नॉन ओवरलैपिंग, द कोडोन कोडिंग डिक्शनरी, डी जेनरेट कोड, यूनिवर्सलिटी ऑफ कोड, नॉन एम्बिगुअस कोड, चेन इनिशिएशन कोड, चेन टर्मिनेशन कोडोन्स। सबसे पहले हम देखते हैं एक जेनेटिक कोड जो होता है वो हमेशा ट्रिपलेट होता है, यानी कि तीन नाइट्रोजनस बेस का एक क्रम जो है वो एक कोडोन बनाता है। जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट। तो इस तरीके से टोटल हमारे पास में 64 कॉम्बिनेशन बनते हैं। इस तरीके से टोटल हमारे पास में 64 कोडोन्स होते हैं। ये पूरा एक 64 कोडोन्स का हमारे पास में एक चार्ट है। विभिन्न प्रकार के कोडोन एक से अधिक अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं। इस प्रकार से कुल 20 अमीनो एसिड को कोड करने के लिए हमारे पास में
64 कोडोन्स होते हैं। कोडोन जो है वो यूनिवर्सल होता है, यानी कि एक ही प्रकार का कोडोन, जैसा कि एक ही कोडोन ए यू, अगर लाइक यू फिलाइल को अगर ये कोड कर रहा है, तो सभी प्रकार के एनिमल्स के अंदर ये फिनाइल एलानिन को ही कोड करेगा, या UUA और UUG अगर ल्यूसिन को कोड कर रहा है, तो ये सभी एनिमल्स के अंदर ये ल्यूसिन को ही कोड करेगा। कुछ कोडोन इसके एक्सेप्शन होते हैं, जैसे कि AUG कोडोन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मेथियोनिन को कोड करता है, जबकि AUG कोड जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर आइसोल्यूसिन को कोड करता है। इन कुछ एग्जाम्पल के अतिरिक्त सभी कोडोन जो होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, नॉन एम्बिगुअस। जेनेटिक कोड जो है वो नॉन एम्बिगुअस होता है, एक पर्टिकुलर एमिनो एसिड के लिए एक विशेष प्रकार का कोडोन जो है वो एक विशेष प्रकार के एमिनो एसिड को ही कोड करता है। एक एमिनो एसिड को कोड करने के लिए एक से अधिक कोडोन हो सकते हैं, लेकिन एक कोडोन जो है वो एक से अधिक एमिनो एसिड को कोड नहीं कर सकता है। नॉन ओवरलैपिंग, वन बेस कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन कोडोन। एक बेस जो है वो एक ही कोडोन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है, यानी कि दो कोडोन के बीच में नॉन ओवरलैपिंग होती है, ओवरलैपिंग नहीं होती है। कंटिन्यूस ट्रांसलेशन, द जीन्स इज ट्रांसक्राइब्ड एंड ट्रांसलेटेड कंटिन्यूसली फ्रॉम अ फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट टू द फिक्स स्टॉप पॉइंट। एक जीन जो है वो फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट से और फिक्स स्टॉप पॉइंट तक ट्रांसलेट होता है। दो कोडोन के बीच में कभी भी पंक्चुएशन उपस्थित नहीं होते हैं, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि अगर एक कोडोन AUG है, तो उसके बीच में उसके जस्ट नेक्स्ट वाला जो कोडोन है वो दूसरे एमिनो एसिड को कोड करेगा, उन दोनों कोडोन के बीच में कोई गैप या पंक्चुएशन नहीं होगी। द कोड हैज़ पोलरिटी, कोडोन जो होता है उसका नेचर जो होता है वो पोलरिटी रखता है, यानी कि अगर हम उसे लेफ्ट टू राइट रीड करते हैं तो वो अलग एमिनो एसिड को कोड करेगा, और अगर वो उसे हम राइट टू लेफ्ट करेंगे तो वो एक डिफरेंट एमिनो एसिड को कोड करेगा। द कोड हैज़ डेफिनेट डायरेक्शन फॉर रीडिंग ऑफ अ मैसेज विच इज़ रेफर टू एज पोलरिटी। एग्जाम्पल है UUG कोड फॉर ल्यूसिन, अगर हम इसे UUG पढ़ते हैं तो वो ल्यूसिन को कोड करेगा, इसके विपरीत अगर हम इसे GUU पढ़ते हैं तो ये वेलिन को कोड करता है। डीजेनेसी ऑफ कोडोन, एन अमीनो एसिड कैन बी कोडेड फॉर मोर देन वन कोडोन। एन अमीनो एसिड कैन बी कोडेड फॉर बाय मोर देन वन कोडोन। एक अमीनो एसिड जो है वो एक से अधिक कोडोन के द्वारा कोडित किया जा सकता है, इसे हम डीजेनेसी ऑफ जेनेटिक कोड कहते हैं। बबल हाइपोथेसिस, क्रिक ने एक हाइपोथेसिस प्रपोज की थी जिसे हम बबल हाइपोथेसिस कहते हैं, जो कि डीजेनेसी ऑफ जेनेटिक कोड को एक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, द फर्स्ट टू बेसिस ऑफ कोडोन पेयर अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल बेस पेयरिंग रूल्स विद द लास्ट टू बेसिस ऑफ द एंटीकोडोन। पहले दो कोडोन जो हैं वो एंटीकोडोन के लास्ट दो बेस पेयर्स के साथ में कोडिंग करते हैं, और एक ये दोनों डिसाइड होने के बाद में एमिनो एसिड जो है वो एंटीकोडोन जो है वो डिसाइड हो चुका होता है। बेस पेयरिंग एट द थर्ड पोजिशन ऑफ कोडोन इज कॉल्ड बबल। लास्ट बेस पेयर जो है वो बबल बेस पेयर कहलाता है, और इस पोजीशन को हम बबल कहते हैं। बबल हाइपोथेसिस जो है वो डीजेनेसी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है, दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल कोडोन फॉर अ सिंगल एमिनो एसिड। एक एमिनो एसिड के लिए एक से अधिक कोडोन हो सकते हैं, इसी वजह से लगभग 61 एमिनो एसिड जो हैं वो हमारे 20 एमिनो एसिड को कोड करते हैं, जबकि जो ट्रांसफर आरएनए का जो नंबर है वो लगभग 40 के करीब होता है, इसी को हम बॉबलिंग कहते हैं। बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड, इफ अ कोड वर नॉट डीजेनरेटेड 20 अमीनो एसिड वुड डेजिग्नेटेड अमीनो एसिड, 20 कोडोन्स वुड डेजिग्नेटेड अमीनो एसिड एंड 44 वुड लीड टू चेन टर्मिनेशन। अगर कोडोन के अंदर डीजेनरेसी नहीं होती तो जो 64 कोडोन है उनमें से 20 कोडोन ही मात्र अमीनो एसिड को कोड करते हैं, बाकी के जो 44 कोडोन हैं वो चेन का टर्मिनेशन कर देते हैं, और इसकी वजह से चेन का टर्मिनेशन होने की वजह से
वहाँ पे म्यूटेशन की जो प्रोबेबिलिटीज होती है वो बढ़ जाती है. द प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यूटेटिंग द चेन टर्मिनेशन वुड देयरफॉर बी मच हायर विद द नॉन डीजेनरेट कोड. इसलिए बबल हाइपोथेसिस जो है वो डीजेनरेसी ऑफ कोडोन को एक्सप्लेन करती है. इस डायग्राम के हम अंदर हम देख सकते हैं जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसका फ्लो किस तरीके से होता है. जितनी भी हमारी अनुवांशिक सूचनाएं हैं वो डीएनए के अंदर कोडित रहती हैं और डीएनए के अनुक्रम को हम नाइट्रोजनस बेसिस के अनुक्रम के द्वारा निरूपित करते हैं. डीएनए की जो सूचनाएं हैं वो मैसेंजर आरएनए के रूप में ट्रांसक्राइब की जाती है या ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के थ्रू आरएनए के अंदर अनुलेखित के अंदर कोडित की जाती है और इन सूचनाओं को हम ट्रांसलेट करते हैं प्रोटीन्स के रूप में. तो जो डीएनए की सूचनाएं हैं उन्हें हम कोडोन्स के रूप में, ये थ्री लेटर वर्ड जो है इनको हम कोडोन कहते हैं, इनको हम मैसेंजर आरएनए के रूप में निर्देशित करते हैं और इन तीन लेटर वर्ड्स के द्वारा ही हमारा एक प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड जो है उसका निर्माण होता है. इस तरीके से हमारा पूरा एक फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है. थैंक यू.